नीतीश कुमार अपने पद पर मुख्यमंत्री है और जहां जाते हैं वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री पलटे कहां? वो अपने नीतीश कुमार के देखा जाए तो स्थिति कुछ खास नहीं दिख रही है, और फिर कहा जा रहा है कि पलटी मार कर आरजेडी के साथ आने वाले हैं। देखिए, भले ही उनको पलटी मार कहा जाता है, लेकिन वो पलटी हमेशा से जनता के लिए ही मारते हैं, विकास के लिए ही पलटी मारते हैं। जब भी उन्हें दिखाई देता है जिस पार्टी में वो पलटी मार के जाते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का त्रुटि देखते हैं, तो वो सीधे अपना फैसला पलटने में ही समझते हैं। और वो पलट करके ये नहीं कि वो लूटने का काम करते हैं, बल्कि विकास के लिए पलटते हैं। और रही बात पलटने की, तो एक और बात आपको मैं बता देता हूँ कि नीतीश कुमार नहीं पलटते हैं, जबकि उनके इर्द गिर्द की जितनी भी पार्टियाँ हैं वो बदल जाते हैं। नीतीश कुमार अपने पद पर मुख्यमंत्री हैं और जहाँ जाते हैं वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री पलटे कहाँ? वो अपने कुर्सी से हटे कहाँ? पलटना उनको कहते हैं जो अपने कुर्सी से वो हट जाए। वो तो अपने कुर्सी पर जा रहा है ना सर, कहा तो यही जा रहा है ना कि पलटू कुमार में आते हैं, जब भी उनको लगता है कि हमारी कुर्सी की खतरा है तो पलट के फिर दूसरे के साथ मिलकर कुर्सी को हासिल कर लेते हैं। ये खतरा तब होती जब जनता उनको नहीं चाहता। दूसरी बात, बार बार पलटने से दिक्कत ये भी होता है कि जो मंत्री लोग हैं वो बदलते हैं, वो बदलने के बाद जो है सिस्टम अलग से चेंज होती है और फिर से स्टार्ट होता है विकास की पारियां। हाँ, वो तो है ही, लेकिन अपडेट तो होता है। 6 महीना पे आप बदलिएगा तो फिर विकास कब होगा? नहीं, 6 महीना में तो ऐसा नहीं हुआ है कि बदला है, कम से कम 17 महीना का हुआ है, 1.5 साल का टर्म हुआ है। किसी रोड का पास करने में भी 17 महीना गायब हो जाती है, तो फिर दूसरे मंत्री आएगा तो फिर कहेगा कि हम अपने साबित कराते हैं कि बिहार में